हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ साइड में गर्मी कैसी है? अब तो लाइट आ गई है, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखो मेरी मम्मी बना रही है चाय और अभी बज रहे हैं 7:30 और हम अभी उठे हैं सो के क्योंकि अम्मा क्या कर दिया, चाय बनावा था। अच्छा, तो ये देखो चाय, अब लाइट आएगी, अब दिक्कत नहीं ना? नहीं अब दिक्कत नहीं, नहीं पानी खूब दिक्कत भाई, खूब दिक्कत भाई। हाँ, हाथ में छाला पड़ गया, हाथ में छाला पड़ गया। हाँ, और बहुत परेशान हुई, यहाँ वहाँ से पानी लाई। हमार का दशा भाई, कार दशा तो बहुत हालत गंभीर हुई, हमको भी पानी ढोना पड़ा। पर कोई बात नहीं, कहते हैं सब कुछ करना चाहिए जो जैसे जहाँ पड़े। ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं है तो हम नहीं करेंगे ना अम्मा। हाँ बिटिया भी काम करी। हाँ तो काम सबको करना चाहिए। हमारी मम्मी हमको चाय पीने के लिए क्या क्या दोगी? चिप्स और चाय बिस्किट। हाँ गाँव मम्मी जो पापड़ में नहीं है, पापड़ गाँव में चिप्स आलू का ना मम्मी। हाँ तो वही अभी हम लोग खाएंगे पियेंगे। और अभी भाई मेरा नहीं आया है, वो भी ड्यूटी करने जाता है, उसका रात का है बेचारा, वो भी परेशान रहता है तो रात में चला जाता है, सुबह आ जाता है। वैसे आज लेट हो रहा है, लगता है कि बाल बनना है, बनवाने लगे हैं, नहीं तो 7:30 आ जाती ना मम्मी 7 तक। हाँ, तो 7:30 तक आ जाते हैं, 7:30 तक आ जाते हैं। और रात का ड्यूटी बहुत दिक्कत वाला होता है, बेचारे रात में ड्यूटी करते हैं, मजबूरी है, क्या करे, करना तो पड़ेगा इंसान को। घर चलाने के लिए, पैसा पाने के लिए बहुत मुसीबत करनी पड़ती है काम। हाँ बेटी, चाहे जो रात हो चाहे दिन, तो क्या करे, वो भी परेशान है, बहुत परेशान है। पापा भी बाहर रहते हैं और बहुत कुछ है हमारी लाइफ में, लेकिन अब क्या करें बताते नहीं है, और बहुत परेशानी है। भाई भी बस ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करता है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। और आप लोग मेरा सपोर्ट भी नहीं करते हो कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। हाँ करते हो लेकिन उतना नहीं करते हो, करो तो शायद आगे के लिए हम भी सोचते हैं कुछ कर सके, क्योंकि भाई मेरा अकेला है, मैं भी अकेली हूँ, एक बहन एक भाई हूँ। तो कहते हैं भाई का सपोर्ट बहन करे, बहन का सपोर्ट भाई करे, लेकिन जब मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ करी हूँ। मैं सीधी सी बात जानती हूँ, ससुराल है, ससुराल में कोई किसी का नहीं होता, अपना खून होता है जो अपने ही तरफ दौड़ता है। तो भाई ये थोड़ा बहुत मुझे कष्ट होता है क्योंकि मेरा भाई है, हम लोग एक ही कोख में जन्म लिए हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पैसे से अगर कोई हेल्प मदद करूँ तो मैं अपने पैसे से करूँ, किसी के पैसे से नहीं। या चाहे मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, लेकिन हमेशा आज नहीं तो कल, इंसान ससुराल कितना भी अच्छा हो, आज नहीं तो कल वो ताना बोल दे ही देगा। तो जब अपना पैसा रहेगा तो कोई किसी की औकात नहीं है कि कोई बोल दे। और आप लोग बाकी तो समझदार हो, सही बात है कि नहीं ना मम्मी? हाँ क्या, तो इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो। मेरा घर वर आप लोगों को तो मैंने शेयर कर दिया, मायके का घर तो बहुत कुछ है। और भाई मेरा अकेला है कमाने वाला, पापा भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, पापा की भी एज हो गई है, इस एज में इंसान बैठ के कहता है, लेकिन इंसान की कुछ मजबूरी होती है कि मेरा औलाद अकेला है, तो अगर वो भी बैठ जाएंगे तो घर का खर्च कैसे चले। अभी मेरा मकान वगैरह कुछ भी नहीं बना है, देख लो आप लोग, आप लोगों को दिख ही रहा है ना, एकदम कच्चा मकान है, सब गाँव में देखो सबके यहाँ पक्का बन गया है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जरूर होगा, जल्द होगा, लेकिन अभी तो वैसे ही है, ऐसे पानी वानी बरसने लगता है, डर लगता है। मेरी मम्मी कितना पानी फेंकती है, कितना ना मम्मी, चूत 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 रहा था ना, देख लो कहाँ था मेरा किचन, एक छोटा सा है, देख रहे हो कितना छोटा किचन है। हम सोचते हैं कि हम जब आए जैसे होते साल डेढ़ दो साल में, तो अच्छा सा एक बढ़िया सा मकान बन जाए, ताकि देख के हर बिटिया बहन को यही लगता है कि मायका है, मायका है, और सब लोग को देख के खुशी में, और मेरा घर बन गया ना तो अलग से ही खुशी होती है। पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। कहते हैं जब तक इंसान का टाइम नहीं आता किसी चीज़ का तो वो जल्दी नहीं होता है, चाहे जो हो।
बाकी पापा मेरे शादी तो दोनों की बहुत अच्छी किए हैं, मेरे भाई की भी शादी अच्छी जगह अच्छे घर में हुई है और मेरी भी शादी अच्छे घर में हुई है। बस यही प्रॉब्लम है कि बस यही घर जो है मिट्टी का वही मेरा घर पक्का बन जाए और भाई भी अच्छी जॉब करने लगे, सब अच्छा, इसका भी परिवार है, दो बच्चे हैं और अपने, ये देखो इधर आओ, मेरा साइकिल कम ली है, तो उसका भी परिवार है, बच्चे हैं, दो अच्छे से पढ़ाई लिखाई और अपनी फैमिली में देखे। अभी छोटी सी नौकरी में ना, अब चाहे बाहर रहो तो भी उतना खर्च लगता है और घर पे रहो तो बस 2-4-10 रुपए का हर फर्क रहता है। बाकी महंगाई हर जगह है, ऐसा नहीं है कि वहाँ शहर में है गांव में नहीं है, गांव में भी है। तो कैसे चलाता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहती कि हर बात नहीं बताई जाती सोशल मीडिया पे, कुछ पर्सनल भी रखनी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो कि ताकि मैं भी कुछ कर सकूं, और मुझे, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, कर पाती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद है कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं अपनी मम्मी पापा की, अपने भाई की। और बाकी आप लोगों से और क्या बताऊं, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, देख लो मेरा घर, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ गाइस और ना दिखावा करती हूँ। ये देख रहे हो, ये देखो, ये टूटा फूटा मकान है मेरे यहाँ, और भाई मेरा कितना करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, बस घर के खर्च चलाता है। तो ये देखो, नानी थी, नानी भी एक्सपायर हो गई, नानी पेंशन पाती थी, नाना मेरे फौज में थे, और नानी के जाने के बाद और दिक्कतें बढ़ गई है, क्योंकि समझ लो एक इंसान के बराबर 10-12 हज़ार पेंशन पाते थे तो घर का खर्च चलता था। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है और उनकी भी डेथ हो गई, वो भी चल पड़ी है। सोच रहे थे हम लोग कि नानी जब तक रहेगी कम से कम 1-2 कमरा और कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, यही एक कमरा बना हुआ है जो कि मिट्टी भी नहीं पड़ी थी और अभी प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। सोचे कि नानी के होते हुए 1-2 कमरा रहने के लिए बना लेंगे, क्योंकि मेरा घर ना एकदम बेकार है। बारिश के समय में मम्मी बहुत परेशान होती है, छूता रहता है, मम्मी पानी फेंकती रहती है और डर भी है कहीं लेके बैठ ना जाए, क्योंकि मैं बहुत पुराना मकान हो गया है। तो ये देखो, यही छोटा सा कमरा एक बना हुआ है, बाकी अभी कुछ भी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। और एक छोटा सा लैट्रिन बाथरूम बनवाए थे, कुछ भी नहीं कंप्लीट हो पाया, नानी चल बसी। और ये देखो, ये छत का है, देख रहे हो, और ये लैट्रिन थोड़ा सा ऐसे ये भी कर दिए, और पुरानी लैट्रिन तो मम्मी पापा बहुत पहले बनवाए थे, तो ये भी है, ये तो पहले का है। और ये पता नहीं कैसे मिस्त्री इतना दिमाग का उल्लू आदमी था कि इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इसको तोड़ दिया, इसको बना रहने देता तो इतना कचरा पचरा नहीं होता। और ये टीना है, यहाँ पहले हम लोग सोते थे, अब तो ये भी ख़राब हो गया है। तो मायके की हाल मेरी बहुत बुरी है, और हम कोई नहीं चाहता कि अपने मायके की अपनी स्थिति लेकिन बुराई करे, लेकिन बुराई क्या है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दो और मुझे आगे बढ़ाओ, उस हद तक ले जाओ कि मैं कुछ कर सकूं अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि पापा की भी एज हो गई, अब कमाने की एज नहीं है, क्योंकि 60 के ऊपर हो गए हैं। और क्या करें, औलाद के लिए इंसान माँ बाप को भी देखना पड़ता है कि ना सही, हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ करेंगे तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। और भाई मेरा बहुत ज़्यादा नहीं कमाता गाइस, बहुत कम ही कमाता है, बस ऐसे है कि घर की खर्च चल जाती है और पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यही सारी बातें हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है ब्लॉग बनाया, और घर जाने के लिए भी तैयारी हो रही है। देखो मम्मी रोक रही है कि इस दिन मैं चली जाती हूँ, क्योंकि बेटी के लिए तो मायका हमेशा के लिए नहीं होता, वो तो पराई ही होती हैं, आज नहीं तो कल जाना है। तो बस हो गया, मुझे 17-18 दिन आए, बस 2-4 दिन में हो सकता है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा अपने घर का भी ब्लॉग बना लूं। और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं, मेरा हाथ दुखने लगा, जो मैं नहीं बता सकती हूं। और
बाकी मुझे बताते बताते रोना आ जाता है, क्योंकि मैं रहती हूँ ना, मैं देखती हूँ तो मेरे से देखा नहीं जाता, और हर बात मैं नहीं बता सकती गाइस, क्योंकि इसमें मेरे ससुराल के भी लोग हैं और भी गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ मैं नहीं अब इस पर शेयर करना चाहती। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस उसके लिए एक लाइक कर देना, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।